दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसन। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपने 8 से 11 बजे के बीच में गांव के कहीं किसी स्थान पर जाके आपको वृहद बाल सभा करनी थी, जो आपने कर चुके होंगे, और इसके जो आपको संख्या भरनी है उसमें कुछ है पार्टिसिपेशन जो किया उसके बारे में भरना है, तो वो कहाँ से भरेंगे, किस ऑप्शन पर जाके भरना है आपको, तो वो आपको आज भरना ज़रूरी है क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे है। तो आज शाम तक आपको किसी हालत के अंदर करना क्लियर ज़रूरी है। उसके 11 बजे के बाद में जैसे आप रिपोर्ट कार्ड वगैरह दोगे तो वो करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ फटाफट दोस्तों। जैसे आप स्कूल लॉगिन होंगे, स्कूल लॉगिन होने के बाद में आपको इस ऑप्शन पर आना है स्कूल पर, और स्कूल ऑप्शन पर जैसे आप दोस्तों आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको, चलिए दोस्तों आप स्कूल जैसे स्कूल ऑप्शन पे आ जाएंगे, स्कूल ऑप्शन में आने के बाद जैसे भी शनिवार ये समुदाय के बाल सभा की प्रविष्टि करते हो उसी ऑप्शन में आपको आज की बाल सभा की जो वृहद बाल सभा उसकी प्रविष्टि करनी है, उसमें ऑप्शन आ चुका है तो उसके बारे में बताऊंगा। जैसे आप इस स्कूल ऑप्शन में आने के बाद शनिवार ये सामुदायिक बाल सभा इस ऑप्शन पर आओगे, यहाँ आने के बाद में नीचे आपका स्कूल सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको मतलब स्कूल दिखाई देगा आपका, और फिर आगे जो ईयर ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ईयर ऑप्शन के अंदर आपको 2019 सेलेक्ट कर लेना है, और फिर नीचे मंथ के अंदर आपको चूँकि मई मंथ है यानी पाँचों महीना है तो पाँचों महीना आप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ नीचे जो डेट सेलेक्ट करेंगे तो डेट इसमें 4-5 और दोनों जो दिखाई दे रही है, क्योंकि 4-5 को भी एक बाल सभा हुई थी शनिवार, ये उसके बारे में भरना है। हर शनिवार को बाल सभा होती है आपको पता है, तो ये आपको यहाँ पर 9 जो है 9 मई यानी लास्ट वर्किंग डे, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद में जो नीचे शो बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब इसमें चूँकि मैंने पहले से भरा हुआ है, भर दिया मैंने, तो चलिए इसमें मैं बता देता हूँ कि जैसे शनिवार ये बाल सभा का आयोजन हाँ या नहीं में, तो आपको हाँ करना है कि शनिवार ये बाल सभा कर ली। यहाँ पर टाइम पीरियड ये आ जाएगा, नो ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पर कुछ स्थान आएंगे तो इसमें से आपको चिन्हित स्थान करने हैं। जिस प्रकार से इसमें स्थान जो आपको दिखाई देंगे वो 4-5 ऑप्शन आएंगे, इसमें से आपने जहाँ पर भी बाल सभा की है वो आपको सेलेक्ट करना है। विद्यालय में भागीदारी समस्त कक्षा के विद्यार्थियों की रही या किसी कक्षा वर्ग की रही तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना है, और फिर आपको यहाँ पर उपस्थिति जो संख्या है विद्यार्थियों की वो कितनी कितनी रही वो संख्या आपको भर देनी है। उसके बाद में नीचे जो ऑप्शन आएंगे दोस्तों, उसके अंदर ऑप्शन आएगा आपका बाल सभा के आयोजन गतिविधियाँ। तो इस गतिविधियों के अंदर दो गतिविधियाँ का आयोजन सहभागिता होगी, एक तो होगी बच्चों की सहभागिता, एक जन समुदाय की सहभागिता। इसमें से आप बच्चों की सहभागिता के अंदर जो भी इस कौशल में से जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है, इसमें से किसी ऑप्शन को आप जो बच्चों ने गतिविधियाँ की वो उनको सेलेक्ट करके आप इसको फिलअप करते जाएँ, और फिर आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आगे इसमें जन समुदाय की भागीदारी आएगी, तो वो ऑप्शन है इसमें आप सेलेक्ट कर लें, एक से ज़्यादा भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपकी जो बाल सभा का आयोजन किसी अधिकारी ने अवलोकन किया तो अवलोकनकर्ता आज प्रभारी नियुक्त किया गया है हर स्कूल के लिए, तो उस प्रभारी इसके अलावा भी कोई और आए तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ सेलेक्ट करोगे, जैसे ये सेलेक्ट ऑप्शन इस पर सेलेक्ट करोगे तो बहुत से ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में बाल सभा के अंदर जन समुदाय की अनुमानित संख्या कितनी है, तो महिला पुरुष की कितनी संख्या है वो आपको भर देनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बाल सभा के आयोजन में भागीदारी कैसी थी, तो ऑप्शन को चुने, मतलब जन समुदाय ने क्या क्या व्यवस्थाएं दी, तो वो आप इसमें से ऑप्शन कुछ दिए हैं इस ऑप्शन में से आप चुन सकते हो। और इसके अलावा जन सहयोग लास्ट ऑप्शन जो 8 नंबर का बिंदु है उसके अंदर आपको जन सहयोग से प्राप्त राशि या प्राप्त सामग्री जो है, तो यह राशि है उसको यहाँ पर फिलअप करना है, और प्राप्त सामग्री को ये तो यहाँ पर संख्या के अंदर फिलअप करना है। तो जिस प्रकार से इसको लॉक कर दिया मैंने, अनलॉक करके आपको दिखाऊँ मैं, तो जैसे मैंने अनलॉक कर दिया इसको, और अनलॉक करने के बाद में ये यस मांगेगा, मतलब कोई प्रविष्टि गलत हो गई तो इसको अनलॉक भी कर सकते हो आप, तो ये मैंने अनलॉक कर दिया है दोस्तों। अब अनलॉक करने के बाद में इसको अपन देखते हैं कि कैसे ये दिखाई देता है, तो ये इस प्रकार से आपको शो हो जाएगा। शो करते हैं, इस पर शो बटन पे अपन क्लिक करते हैं, और जैसे शो बटन पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपको इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यहाँ से अनलॉक करने के बाद में भी आप दोबारा से इसको सुधार भी कर सकते हो, सुधार का ऑप्शन भी इसमें है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, इसको करना ज़रूरी है, आज ही करना, फिलअप करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही कंपलसरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप पे कीजिए आज। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर सबको करें ताकि सब लोग कर सके, ये एंट्रियां आज शाम तक करनी ज़रूरी है। थैंक यू।